गाडरवारा में साहू समाज के आराध्य देवी शिरोमणि महाकर्मा की जयंती साहू समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का धूमधाम से आयोजन कर मनाई गई। हृदय स्थल झंडा चौक पर सुबह महाकर्मा के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पूजन अर्चन की गई और प्रसाद वितरित किया गया। साहू समाज के द्वारा नगर में एक वाहन रैली भी निकाली गई। कर्मा देवी जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे ही रहकर बहुत समय तक अपने आराध्य बाल कृष्ण को खिचड़ी का भोग अपने हाथों से खिलाती रही और उनकी बाल लीलाओं का आनंद साक्षात माँ यशोदा की तरह लेती रही। शासकीय सिविल हॉस्पिटल में खिचड़ी वितरित की गई और कर्मा जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साहू समाज की महिलाओं और वरिष्ठ जनों ने कर्मा जयंती के अवसर पर अपने विचारों के माध्यम से संदेश दिया। कल कर्मा जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर हमने एक छोटा सा प्रयास किया हमारा कि साहू महिला मंडल द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम कह सकते हैं आपको प्रस्तुत किया, जो सफल रहा इसकी मुझे बहुत खुशी है और हमारी महिलाएं बहुत सक्रिय है, ये आज साबित हो गया। धन्यवाद। अभी तो राधे राधे। माँ कर्मा देवी जयंती के उपलक्ष्य में साहू समाज के समस्त भक्तजनों की तरफ से कर्मा देवी जी का आज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इस हिस्से में भागीदारी ली है और आज का कार्यक्रम सफल हुआ, इसके लिए मैं समस्त साहू समाज को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया, जिसमें आज हम लोगों ने कृष्ण भक्ति और कृष्ण रासलीला का आयोजन किया गया। धन्यवाद। महिला मंडल साहू समाज द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत सुंदर प्रस्तुति की। इसमें बच्चों ने डांस कॉम्पिटिशन, जेलती, डिजिटल, दीपक सजाओ, ये सभी प्रतियोगिता हुई और सभी ने नृत्य किया और हम लोग हमारा कार्यक्रम बहुत अचम्मन संपन्न हुआ, जिसके लिए मैं महिला मंडल की तरफ से सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ और बधाइयाँ देती हूँ आज के कार्यक्रम के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय माता दी। नमस्ते सभी महिलाओं को, मेरा बहुत प्रणाम। आज साहू महिला मंडल ने कर्मा देवी जयंती के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, जिसमें उन्होंने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और संगीत, डांस, भजन और भी बहुत सारी ज्वेलरी, थाली सजाव प्रतियोगिता, बहुत सारी प्रतियोगिता, अच्छा जो बना था, सारी लेडीजों ने बहुत इंजॉय किया और उससे क्या रहता है कि समाज में भी उभर के आती है, जो लेडीज घर में बैठी रहती हैं या फिर जिनको बाहर नहीं जाने मिलता है, ऐसे कास्ट में अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है और महिलाएँ अपने समाज में आगे भी निकलती हैं, बाहर भी निकलती हैं। थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुझे आशा है कि पूरे साहू कास्ट में और गाडरवारा में भी नहीं, अलग अलग सभी जगह पे जहाँ पे भी कर्माबाई जयंती होता है तो सभी महिलाओं को ऐसे ही आके कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिसमें सारी महिलाएं आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। आज कर्मा जयंती के पावन पर्व सभी को हार्दिक शुभकामना देती हूँ। आज यहाँ पर बहुत अच्छा साहू समाज ने कार्यक्रम किया है, हम नवयुवक बच्चों को इससे प्रेरणा मिलती है, हमारे जो बुजुर्ग हमको सिखा के गए हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो बच्चे इस कार्यक्रमों के द्वारा आगे की पीढ़ी ने जो किया वो सीखते हैं। सभी बच्चों को सभी बुजुर्गों से अपने परिवार के रीति रिवाजों के बारे में जानना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए, यह सबको मैं शुभकामना देती हूँ। आज साहू समाज की आराध्य देवी माँ कर्मा जी की जयंती है, इसी अवसर पर साहू समाज के युवा संगठन द्वारा गाडरवारा नगर की समाज को एकजुट रूप में एकत्रित कर वाहन रैली निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए, शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए एकजुटता का परिचय देते हुए आज यहाँ गंज प्राथमिक शाला में समापन हुआ है। और हम समाज के सभी लोगों से यही, हम लोग युवा यही प्रार्थना करना चाहते हैं और माँ कर्मा से यही शक्ति मांगते हैं कि हमारी समाज समृद्ध हो, खुशहाल रहे, सुख शांति रहे और एकजुट होकर आने वाले समय में समाज का विकास हो, समाज के हर वर्ग का, हर व्यक्ति का विकास हो और आने वाले समय में नगर में यह समाज ऐसी दिखे कि यह समाज एक मिसाल बनकर रहे और नगर के लिए और क्षेत्र के लिए यह समाज बहुत कुछ करना चाहती है, सामाजिक मूल्यों और नगर के लिए बहुत योगदान करेगी। जय माँ कर्मा। आज साहू समाज गाडरवारा के द्वारा माँ कर्मा जयंती समारोह का आयोजन स्थानीय गंज प्राथमिक जा रहा है और इसके पूर्व महिला मंडल गाडरवारा
साहू समाज के द्वारा किया गया, जिसमें समाज की हर वर्ग के लोग सभी शामिल हुए और उत्साहवर्धन के साथ यह कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा किया गया। और हम सभी का उद्देश्य है कि इस नगर में सार्वजनिक सबके लिए भगवान कृष्ण का, जगदीश स्वामी का आशीर्वाद मिले, माँ कर्मा का आशीर्वाद मिले। इसके लिए हम सब मिलकर के एक मंदिर और मंगल भवन का निर्माण शीघ्र करने जा रहे हैं और उसके लिए हम सब समाज के लोग सहयोग दे रहे हैं। और आज माँ कर्मा जयंती है और इसमें माँ कर्मा ने भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई और एक निर्धन होकर करके भी उन्होंने जगन्नाथपुरी में जो एक परिचय दिया कि भगवान सबके हैं, ईश्वर सबका है, हम सबकी आराध्य देवी माँ कर्मा हैं और उन्हीं के आदर्शों पे चल करके यह समाज सेवा के लिए हम सब मिलकर के दृढ़ संकल्पित हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ कर्मा। आज कर्मा जयंती के पावन पुनीत अवसर पर इसलिए याद किया साहू समाज गाडरवारा द्वारा बड़े धूमधाम से कर्मा जयंती मनाई जा रही है। सुबह झंडा चौक हृदय स्थल पर माँ कर्मा जी की पूजन अर्चना के बाद हमारे युवा संगठन के लोग बच्चों ने एक नगर में विशाल रैली आयोजित की। इसके पश्चात शासकीय चिकित्सालय में मरीजों के लिए खिचड़ी वितरण करने के लिए यहाँ पूरा जन सैलाब साहू समाज का उमड़ पड़ा है। हम साहू समाज की ओर से नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कर्मा जयंती पर्व संपूर्ण देश में मनाई जा रही है। ऐसा कोई भी कस्बा, ऐसा कोई भी नगर, ऐसा कोई भी जिला वंचित नहीं है जहां कर्मा जयंती नहीं मनाई जा रही है। बड़े धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह के साथ कर्मा जयंती का आयोजन हो रहा है। हमारी साहू समाज संपूर्ण मध्य प्रदेश में बड़ी सक्रिय है। राजनीति के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, जिसका एक विशाल आंदोलन 2 अप्रैल में भोपाल में आयोजित होने जा रहा है। हम कर्मा जयंती के पावन पुनीत अवसर पर समस्त नगर वासियों को और साहू परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। साहू समाज महिला मंडल अध्यक्ष मैं सुषमा साहू हूँ और आज हमारी कर्मा जयंती है। तो पहले तो सभी नागरिकों को कर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने महिला मंडल द्वारा हॉस्पिटल परिसर में खिचड़ी वितरण का प्रोग्राम किया, जो कि हमारी कर्मा भाई को खिचड़ी वितरण बहुत पसंद है और उन्हें कृष्ण के लिए खिचड़ी का ही भोग लगाती हूँ। और मेरी सभी से साफ शुभकामनाएं देती हूँ, सभी से आशा है कि सभी लोग मिलकर जुलकर और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्रीमणि माँ कर्मा जयंती के पावन अवसर पर आज पाप मोचनी एकादशी पर कर्मा जयंती पर हम लोगों ने साहू समाज से भी एकत्रित हुआ और युवा संगठन के माध्यम से और साहू समाज परिषद के माध्यम से झंडा चौक जो गाडरवारा का हृदय स्थल है वहाँ हमने पूजन अर्चना की और उसके पश्चात हम लोगों ने एक वाहन रैली निकाली। अब शासकीय हॉस्पिटल गाडरवारा में साहू समाज गाडरवारा के माध्यम से हॉस्पिटल में खिचड़ी का वितरण किया जाएगा और शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे द्वारा साहू समाज के द्वारा किया जाएगा। इसमें सभी समस्त साहू समाज उपस्थित हुआ। जय माता दी। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।